सही बात है, उस टाइम की जब क्रिमिनल बंडल का इंक्यूबेटर चल रहा था, जब क्रिमिनल बंडल गेम में लॉन्च हुए थे, उस टाइम पे मुझे क्रिमिनल बंडल इतना कुछ पसंद नहीं आया था। और कुछ टाइम बाद मुझे क्रिमिनल बंडल इतना ज्यादा पसंद आ गया, और खासकर रेड क्रिमिनल, कि कुछ भी करके मुझे वो अपनी आईडी में चाहिए था। तो इंक्यूबेटर का लास्ट दिन बचा था और मेरे पास डायमंड भी थे, लेकिन उसी टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कोई फ्री फायर का प्लेयर कभी सोच भी नहीं सकता। और आपको पहले ही बता दूं, ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फनी हो सकती है, लेकिन ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। जब मैं आपको ये बातें बता रहा था, उस टाइम में मुझे उस टाइम की याद आ गई कि यार उस टाइम में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। तो आज की स्टोरी के अंदर आप लोग अपनी पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, क्रिमिनल बंडल के इंक्यूबेटर के टाइम मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, जो कि आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई लोग हम लोग बहुत ही क्लोज आ चुके हैं 1.1 मिलियन के। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे आते हैं 1 लाख लाइक, जिसके अंदर मैं आप लोगों को मेरी एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जो कि लिटरली किसी को भी नहीं पता है। अगर आप लोग आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब मैं सीजन 2 की आईडी गई थी, उसके बाद मैंने फ्री फायर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब या तो हो सकता है गाइस ये एक तुक्का हो, या फिर ये मेरा लक हो, जब जब फ्री फायर में कोई भी रेयर आइटम आता था उसी टाइम पे मैं फ्री फायर को वापस से डाउनलोड कर लिया करता था। और इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जब क्रिमिनल बंडल गेम में आने वाले थे उससे 10 दिन पहले मैंने गेम को डाउनलोड करा था, लेकिन इस बार जो मैंने फ्री फायर डाउनलोड करा था वो मैंने खुद के खेलने के लिए नहीं करा था। उस टाइम में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसको अपनी आईडी अपने किसी दोस्त को देनी थी, उस बंदे का मोबाइल होता है पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने मुझसे बोला यार एक बार बस अपने फोन में फ्री फायर डाउनलोड कर ले, वो अपनी आईडी चेक करेगा, आईडी पासवर्ड चेंज करके किसी और को दे देगा। उस टाइम पे तो जियो का रिचार्ज होता था, फ्री का नेट मिलता था, मैंने सोचा अपने दोस्त को दे देता हूँ, ये अपना आईडी पासवर्ड चेंज करेगा फिर किसी और को दे देगा। तो इसलिए उस टाइम पे मैंने फ्री फायर को डाउनलोड तो कर लिया और उस बंदे ने अपनी आईडी मेरे फोन के अंदर लॉग इन भी कर दी। अब उस टाइम पे मेरे पास अपनी खुद की तो कोई आईडी थी नहीं, क्योंकि मेरे पास जितनी भी पुरानी आईडी थी सभी डिसेबल हो चुकी थी। तो उस बंदे ने मुझसे कह रखा था जब तक मैं चाहूँ इस आईडी से खेल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे फ्री फायर का भी खेलता नहीं था। ऐसे मेरे फोन में लॉग इन हुए उसकी आईडी 10-20 दिन तो हो गए थे। मैंने उस बंदे से पूछा भी था यार जिस बंदे को तू आईडी दे रहा था उसने तेरी आईडी ली नहीं, उसका रिप्लाई आता है हाँ थोड़े दिन रुक जा भी वो बंदा आईडी लेने वाला है। ऐसे मैं एक दिन खाली बैठा था, मैं सोचा था यार क्या करूं, मैं ऐसे अपना मोबाइल यूज कर रहा था उसी टाइम पे मुझे दिखा सामने की तरफ मैं फ्री फायर। ये चीज भी कभी आपके साथ शायद हो गई होगी कि आप लोग सोचते हो यार आज फ्री फायर नहीं खेलूंगा, लेकिन जैसे आपको फ्री फायर सामने की तरफ दिखता है आप लोग सोचते हो कि चलो एक बार फ्री फायर को खोल के तो देखता हूँ फ्री फायर में नया आया क्या। तो यही सेम चीज मेरे साथ उस दिन हुई थी, मैं सोचा चलो फ्री फायर को देखते हैं 5 महीने के अंदर कितना बदल गया होगा। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस दिन जब मैंने फ्री फायर को खेला, सच्ची में फ्री फायर खेलते हुए इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि मैं 4 घंटे तक लगातार फ्री फायर खेलता रहा। ये चीज मेरा डेली का हो गया था, मैं डेली फ्री फायर खेलता और लगभग 3-4 घंटे तक लगातार फ्री फायर ही खेलता रहता। उस टाइम मेरे स्कूल की भी छुट्टियां चल रही थी, मेरे पास कोई काम भी नहीं था, इसी वजह से मेरा इतना ज्यादा फ्री फायर खेलने से किसी को दिक्कत भी नहीं थी। वैसे फ्री फायर खेलते खेलते मुझे बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, उसी बीच में क्रिमिनल बंडल्स भी आए थे गेम में, लेकिन सभी क्रिमिनल बंडल उस टाइम मुझे इतने बुरे लगे थे, मैंने कहता यार इनकी शक्ल इतनी बुरी है, इनके ऊपर अपने डायमंड कौन वेस्ट करेगा। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं गेम खेलता था, जब भी कोई बंदा मुझे मार के जाता था उसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स भी आते थे, तो वो बंदे अपना मुंह दिखाते थे। उस टाइम में मैंने सोचा क्रिमिनल बंडल से तो हम लोग अपने एनिमी को चिढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा यार छोड़ो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे इसमें, कम से कम 1-2 हजार डायमंड तो लगेंगे, ऊपर से मेरे पास अपनी कोई आईडी भी नहीं है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है, मेरे जिस दोस्त ने मुझे अपनी आईडी लॉगिन करने के लिए दी थी उसका मेरे पास कॉल आता है, वो बंदा मुझसे बोलता है कि अब वो फ्री फायर को छोड़ रहा है, उसको फ्री फायर का भी खेलना भी नहीं है, और जिस दोस्त को अपनी आईडी दे रहा था उसने भी आईडी लेने से मना कर दिया। तो उसने मुझसे बोला अगर मैं चाहूं तो उसकी आईडी हमेशा के लिए रख सकता हूं। अब मेरे पास आईडी तो आ चुकी थी, अब मुझे निकालना था रेड क्रिमिनल बंडल, लेकिन उसके लिए हम लोगों को चाहिए होते डायमंड, और डायमंड उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे, उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं थे। लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने क्रिमिनल बंडल की लगभग 1000 डायमंड इकट्ठा करे थे, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो भी फ्री फायर के पुराने प्लेयर है उनको पाइन ट्री के बारे में तो पता ही होगा। उस टाइम पे फ्री फायर के अंदर एक ग्लिच आया था जिस वजह से बंदे कितने भी पॉइंट ट्री लगा रहे थे लेकिन उनके पॉइंट ट्री खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो इसी वजह से जब भी मैं लॉबी के अंदर जाता था हर लॉबी में कम से कम 6-7 पॉइंट ट्री तो देखने को मिलते थे, और एक मैच में कम से कम 5 से लेकर 10 डायमंड मिल जाया करते थे। तो ऐसे मैंने डायमंड कलेक्ट कर करके 1000 डायमंड कलेक्ट करे थे। आप लोग खुद सोच सकते हो अगर एक मैच के अंदर 5 डायमंड मिल रहे हैं तो ऐसे कर करके यार 1000 डायमंड कलेक्ट करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी गाइस मैंने बहुत टाइम फ्री फायर में लगाया, उसके बाद फाइनली मैंने 1000 डायमंड अपनी आईडी के अंदर कंप्लीट कर लिए। ये डायमंड कलेक्ट करने में इतने दिन निकल चुके थे, मुझे पता ही नहीं चला कि इंक्यूबेटर खत्म होने में सिर्फ 1 दिन रह गया। मुझे ये बात तो पता थी अगर मुझे इंक्यूबेटर का टॉप बंडल निकालना है तो यार 1000 डायमंड में कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम 2000 डायमंड तो लगने ही वाले। इसी वजह से यार मैं उस दिन बहुत सारे पॉइंट ट्री से डायमंड कलेक्ट कर रहा, इसी वजह से मेरे पास हो चुके थे 1500 डायमंड। लेकिन इन सब के बाद यार 500 डायमंड अभी भी कम थे, और मुझे पता था यार मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं ये 500 डायमंड या पॉइंट ट्री से तो कलेक्ट करना इंपॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे गाइस, इसी वजह से मैं डायमंड भी नहीं खरीद सकता था। और उस टाइम पे यार मैंने अपने जितने भी दोस्त है सभी से पैसे मांग के देखे, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, और ये चीज मुझे आज भी याद है। उस टाइम मुझे समझ में आया जब भी आपको किसी की जरूरत होगी उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होता है। और इसके बाद की स्टोरी गाइस सबसे ज्यादा मजेदार है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे फेसबुक पेज के बारे में। गाइस क्या आप लोग जानते हो आलोक आपकी 1 सेकंड के अंदर कितनी एचपी बढ़ाता है? तो गाइस अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो गाइस आप लोग भी जीत सकते हो पूरे 4000 डायमंड, वो भी बिल्कुल फ्री में। गाइस इसके लिए सिंपली आपको जाके मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लेना है, वहां मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालता रहता हूं, और उनमें से मेरे कुछ लकी विनर्स को मिलते हैं गाइस 4000 डायमंड, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे हमारे फेसबुक
पेज में 15,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे गाइस, वैसे मैं अपना फेस रिवील भी कर दूंगा। तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जाके फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद आप लोग वीडियो में वापस आ जाना। तो अभी हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बताया था कि मेरे पास 1,500 डायमंड तो हो चुके थे, लेकिन बाकी डायमंड के लिए मेरे पास ना तो पैसे थे ना ही मैं कलेक्ट कर सकता था। अब ये चीज सोचते सोचते गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गया था, इसी वजह से मैं सो गया। जब शाम के 5 बजे उठ के मैं देखता हूँ, आप लोग गैस करो क्या हुआ होगा उस टाइम। शायद आप लोगों ने ये गैस करा होगा कि उस टाइम तक इंक्यूबेटर जा चुका था, लेकिन गाइस ऐसा नहीं हुआ था। इंक्यूबेटर उस टाइम पे भी था, लेकिन मेरी आईडी के सारे डायमंड गायब हो चुके थे। अब एक बंदा जिसने 25 दिन तक लगातार 10 घंटे फ्री फायर खेल के इतनी ज्यादा मेहनत से 1,500 डायमंड कलेक्ट करे थे, उसकी आईडी में से वो सारे डायमंड 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाए तो उसको कैसा लगेगा। और यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, और मैं इतना ज्यादा कंफ्यूजन में था यार मेरे डायमंड गए किधर। सबसे पहले तो मैंने अपने घर में सबसे पूछा यार किसी ने मेरा मोबाइल तो नहीं छुआ था, वो लगा धोखे से मेरे फोन से किसी ने गेम खोल लिया होगा और मेरे डायमंड वेस्ट कर दिए होंगे। जितने भी लोगों से मैंने पूछा कि किसी ने मेरे डायमंड वेस्ट करे तो सबने मना कर दिया। इससे पहले भी मेरी सीजन 1 और 2 की आईडी जा चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना बुरा नहीं लगा था जितना इस टाइम पे लगा था, क्योंकि पहले जितने भी डायमंड मैंने वेस्ट करे थे सभी मैंने पैसों से खरीदे थे, लेकिन इस बार जो मैंने ये 1,500 डायमंड कलेक्ट करे थे वो मैंने अपनी मेहनत से कलेक्ट करे थे। और इस टाइम पे सच्ची में अपना मोबाइल को देखता रह गया था, मैं कहता यार मेरे 1,500 डायमंड थे वो किधर गए। और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक क्वेश्चन भी था यार ये मेरे डायमंड ऐसे तो नहीं गए होंगे, किसी ना किसी ने तो वेस्ट करे ही होंगे। और गाइस सबसे बड़ा स्कैम तो अब होता है, जिस दोस्त से मैंने आईडी ली थी वो मुझसे बोलता है कि उसे अपनी आईडी वापस चाहिए। एक तरफ मैं डायमंड की वजह से परेशान था, दूसरी तरफ से आईडी का चक्कर आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जाके मुझे पता चला जो बंदा मुझसे आईडी वापस मांग रहा है उसी ने मेरे डायमंड वेस्ट करे। और ये सुनने के बाद मुझे एक ही चीज याद आई, गलत फहमी है लोगों की कि रावण घमंड की वजह से मारा गया था। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं भरोसे की वजह से मारा जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब मैंने उससे पूछा यार ये तो बता दे कम से कम तूने डायमंड वेस्ट किधर करे, मैं सोचा चलो यार डायमंड वेस्ट करूंगे कम से कम कुछ तो मिला होगा, शायद ने ब्लूप्रिंट निकाल लिया होगा फिर एवोल्यूशन स्टोन से निकाल लिए होंगे। लेकिन वो बंदा इतना चमत्कारी निकला, उसने सारे डायमंड MP40 के गन स्किन खरीदने में लगा दिए। उस टाइम पे गाइस मेरा रिएक्शन सेम ऐसे ही था, क्योंकि यार मैं सोचने में लग गया इस बंदे ने इतनी फालतू चीज में सारे डायमंड उड़ा कैसे दिए। और बंदा इतनी खुशी से बताता है उसकी गन स्किन तो सिर्फ 300 डायमंड में निकल गई थी, बाकी 1200 उसने ऐसी वेस्ट कर दिए ताकि उसे FF टोकन मिल जाए। बाकी यार आगे क्या ही होता, उस बंदे का गुस्सा तो मैं बहुत आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसकी आईडी वापस कर दी, अब वो मेरी आईडी किसी काम की नहीं थी। तो चलो गाइस आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो गाइस आप लोग इस वीडियो पे कंप्लीट करा दो 1,00,000 लाइक, और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि हम लोग 1.1 मिलियन रीच कर पाए। कमेंट करके आप लोग बताना इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आप लोगों को कौन सा लगा। चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ, আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, কটা কাগজতে সপোন।